नाजरीन नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। रियासत तेलंगाना और आंध्रा में 1 दिसंबर तनख्वाह का दिन होने के बावजूद बैंक्स में दरकार करेंसी मौजूद नहीं होने से बैंक्स की कतार में खड़े मुलाजमीन को भी मायूस लौटना पड़ा। खानगी मुलाजमीन, वज़ीफ़ेयाब अफराद, ताजिर व तलबा को कोई राहत नहीं मिली। बरखिलाफ इसके तनख्वाह के दिन होने की वजह से बैंक्स के पास मामूल से बड़ी कतारें दिखी गई। नोटबंदी के बाद पेश आ रही सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत बहुत जल्द बैंकर्स के साथ इजलास मुनक़द करते हुए राशन दुकानों के जरिए आवाम को राहत पहुंचाने के इकदाम पर गौर कर रही है। महकमे सिविल सप्लाईज और बैंकर्स के दरमियान मुनक़द होने वाले इस इजलास में तय किया जाएगा कि किस तरह रियासत में मौजूद 18,000 राशन दुकानों के डीलर्स के खिदमत हासिल करते हुए आवाम को मिनी बैंकिंग सिस्टम के जरिए इकदाम जरिए खिदमत फराहम की जा सकती है। अच्छा एडिट कर लो बेटा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आली मसाइल में मुस्लिम खवातीन की रहनुमाई के लिए एक मुस्लिम खवातीन हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर का आगाज किया है। मुस्लिम वेमेन हेल्पलाइन का टोल नंबर 8426102180 है। इब्तदा में इसे 7 जुबानों उर्दू, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मलयाली, कनाडा में शुरू किया गया है और कोई भी मस्कुरा फोन नंबर पर सुबह 10 बजे से 5 बजे शाम तक फोन करके मुफ्त में रहनुमाई हासिल कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक बोर्ड के 25वें इजलास मुनक़िदा कोलकाता में आली अजवाजी तलाक खुला नान व नफका विरासत के मसाइल से परेशान हाल मुस्लिम खवातीन की रहनुमाई और मदद के लिए एक कुल हिंद सतह पर मुस्लिम वेमेन हेल्पलाइन टोल फ्री कॉल सेंटर का ऐलान किया गया था। अब इस मुफ्त खिदमत का आगाज़ कर दिया गया है। मगरबी बंगाल में नौजायदा बच्चों की स्मगलिंग की रैकेट का दायराकार बढ़ता ही जा रहा है। CID ने इस मामले में मजीद 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक डॉक्टर का ताल्लुक BJP से है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने बच्चों के वालिदैन को गुमराह करने के बाद इन बच्चों की ट्रैफिकिंग की राह हमवार करने में कलदी किरदार अदा किया है। ये डॉक्टर स्मगलिंग शुदा बच्चों के घर वालों से कहते थे कि ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई और ये लोग अस्पताल में मौजूद मुर्दा बच्चों को दिखा देते थे। इसके बाद इन बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता था, जहाँ उन बच्चों को 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के दरमियान फरोख्त किया जाता था। CID के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजेश कुमार ने कहा कि लड़के को ज्यादा कीमत में फरोख्त किया जाता था। डॉक्टर दिलीप कोश की गिरफ्तारी के बाद BJP ने उन्हें पार्टी से बरतरफ कर दिया है। वाजरे के उन्होंने साल्ट लेक कॉरपोरेशन से इंतखाबात भी लड़ा था मगर हार गए थे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मजीद डॉक्टर्स मुलविस हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में रियासती सरकार को हुक्म दिया है कि वह अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा और शुमाली कश्मीर से मेंबर असेंबली लंगेट इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद को जम्मू खत्ते समेत किसी भी जगह जाने या सियासी सरगर्मी करने से ना रोके। ख्याल है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान इंजीनियर रशीद को जम्मू खत्ते के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर पेपर पंजाल और वादी चिनाब जाने से रोका गया है। इसके बाद गुज़िश्ता वर्ष इंजीनियर रशीद ने रियासती हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के जरिए अदालत से गुजारिश की थी कि सरकार को इनकी पाबंदी इंसानी और सियासी हकूक तलफ करने से बाज रखा जाए। पुलिस के मशकूक रवैये पर भी हाई कोर्ट ने इशारतन बरहमी का इजहार किया। मुकेश अंबानी ने नोटों के मनसूखी के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले को तारीखी बताते हुए कहा कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आम लोगों को होगा। मिस्टर अंबानी ने आज यहां ग्रुप की टेली कम्युनिकेशन सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनी रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के 3 माह पूरे होने पर एक खसूसी खिताब में कहा, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये की नोटों को बंद करने के जुरातमंदाना और तारीखी कदम उठाने पर मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा करते हुए वज़ीर आज़म के दफ्तर ने हिंदुस्तान में डिजिटल ताइद वाली कम अज़ कम नकद वाली मईशत को सबसे बड़ा तहरक दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने से इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार मिलेगी और निज़ाम में बेमिसाल शफाफियत और जवाबदेही की शमूलियत होगी। मुंबई में शेयर बाजार के करीब भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया, ताहम अभी तक इसमें किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ये भी शेयर मार्केट का ही एक हिस्सा है। आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन इसे शॉर्ट सर्किट का हादसा करार दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने थोड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। पंजाब के बरनाला में एक टैक्सी ड्राइवर के अकाउंट में इत्तेफाकी तौर पर 100 करोड़ रुपये जमा हो जाने का वाक़ रोशनी में आया है। अकाउंट होल्डर ने बताया कि इसके अकाउंट में किसी भी तरह की कोई रकम नहीं थी, ताहम वो करोड़ों रुपयों की गलती से जमा हो जाने के सबब हैरत का शिकार हो गया। इब्तदाई तौर पर इसे तकनीकी खामी से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां मुल्क की आवाम पैसे पैसे के लिए मोहताज है, सरकारी और सियासी लीडरान के लिए इस परेशान सूरत हाल से कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी के बाद एक सियासी लाल बत्ती वाले लीडर की गाड़ी से मोहाली पुलिस ने 42 लाख की 2000 की नकली करेंसी बरामद की है। इस जमन में शहर के SP परमिंदर सिंह भंडाल ने तफसीलात पेश की। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, जिरा।
आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224449।